dear students. Hope you all are fine. Okay, so today we start our new chapter, which is subtraction. Okay, so your chapter 5 is subtraction. You already know what is subtraction. Subtract में हम क्या करते हैं? Minus करते हैं, है ना? Minus को ही हम subtraction बोलते हैं. किसी चीज को जब हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं तो वो कम हो जाता है. जैसे आप एक बकेट में पानी रखो, फुल बकेट करो, उसके बाद थोड़ा सा पानी गिरा दो, तो वो बकेट से पानी क्या हो गया? कम हो गया. तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में डिजिट्स से हम माइनस करते हैं. ठीक है, तो लेते हैं हम पहले नंबर 5, 3, टू डिजिट नंबर. इसमें से हमें माइनस करना है 4, 1. ठीक, 53 माइनस 41, ये कौन सा साइन है? माइनस का. जब ऐसे साइन लगता है तो हमें क्या करना होता है? सब्ट्रैक्शन करना होता है. ठीक है, तो 53 माइनस 41. देखो, इसमें भी हमने एडिशन में मैंने आपको बताया था कि वंस के नीचे वंस की वैल्यू लिखेंगे, टेंस के नीचे टेंस की वैल्यू लिखेंगे. ठीक है, यहाँ भी सेम प्रोसेस है. बीच में कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? माइनस. सो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1, क्या हो गया? 12. सपोज 7, 8, 25 माइनस करना है. माइनस करिए, वंस में से वंस प्लेस माइनस होती है, टेंस में से टेंस वैल्यू माइनस होती है. ठीक है, तो 8 माइनस 5 क्या होगा? 3. 7 माइनस 2 5, तो क्या हो गया? 53. नेक्स्ट लेते हैं 8, 9, 3, 7 माइनस करिए. 9 माइनस 7 क्या हुआ? 2. 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5, क्या हो गया? 52. हम करते हैं 99, 20, 20. ठीक है, 9 माइनस 0, किसी भी नंबर को जब 0 से माइनस करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ क्या होती है? आंसर. ठीक है, और आंसर को हम क्या बोलते हैं इसमें? जैसे हम प्लस करते थे तो आंसर को हम क्या बोलते थे? सम. तो माइनस करते हैं तो हम आंसर को क्या बोलते हैं? डिफरेंस. तो ये सब क्या निकला है हमारा? डिफरेंस. ये डिफरेंस, ये भी क्या निकला है? डिफरेंस. ठीक, ये भी क्या हो गया? डिफरेंस. तो हमें क्या करना है इसमें? सब फाइंड द डिफरेंस. जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द डिफरेंस, तो आपको इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है. ठीक है, तो 9 माइनस 0 क्या हो गया? 9. 9 माइनस 2 7. माइनस करना आता है. सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यू है, इसमें से हमें माइनस कितना करना है? 2. तो हमने एक वैल्यू ये कर दिया, एक वैल्यू ये कर दिया, 2 वैल्यू कर दिया, बचा कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमने क्या लिख दिया? 7. क्लियर, ये हो गया क्या? सब्ट्रैक्ट टू डिजिट नंबर्स. अब हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट? सब्ट्रैक्ट विथ 3 डिजिट नंबर्स. 3 डिजिट नंबर्स जिसमें क्या होगा? वंस, टेंस, 100, है ना? माइनस करिए, 7, 8, 9, 2, 3, 5 माइनस कर दो. वंस में से वंस प्लेस माइनस होगी. 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 3 5, 7 माइनस 2 5 कितना हो गया? 554, क्या हो गया? सॉरी, डिफरेंस. क्लियर. नेक्स्ट है 100, 10, 1s. ठीक, 100 की प्लेस पे 9, 3, 4, 1, 0, 2 माइनस करिए. 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 3, 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8. क्लियर, 832 आपका क्या आ गया? डिफरेंस. एक और क्वेश्चन करते हैं. 100, 1000, 1s क्या हो गया? 9, 5, 6, 3, 2, 1 माइनस करिए. 6 माइनस 3
3, 5 minus 2, 3, 9 minus 1, 8, 833 difference. Next step, 6, 8, 3, 4, 5, 2, 3 minus 2 कितना हो गया 1, 8 minus 5, 3, 6 minus 4, कितना आंसर आ गया 231. तो ये जो निकले हैं आपके 554, 832, 234, 833, इसे हम क्या कहते हैं डिफरेंस. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा क्या प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. अभी तक आपने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. तो देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. कितनी प्रॉपर्टीज होती है, थ्री प्रॉपर्टीज होती है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसी नंबर को, सपोज 23 नंबर है, उसमें से जीरो माइनस करते हैं. ठीक है, किसी भी नंबर में चाहे जीरो माइनस करिए चाहे जीरो प्लस करिए, वो नंबर इटसेल्फ उसका क्या होता है, आंसर होता है. ठीक है, तो 23 माइनस जीरो आंसर क्या होगा 23. ठीक, 18 माइनस जीरो क्या होगा आंसर 18. 118 माइनस जीरो इक्वल टू 118. लेकिन प्लस में हम ऑर्डर चेंज कर रहे थे, माइनस में हम कोई ऑर्डर चेंज नहीं करते. ठीक है, आपको लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर में माइनस करना होता है. सपोज 232 माइनस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा 232. क्लियर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अभी तक हमने क्या किया, जीरो से माइनस किया. जैसे एक लिख देते हैं क्वेश्चन, 23 माइनस जीरो इक्वल टू 23. सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी नंबर को लाइक 15 माइनस 1, किसी नंबर को में 1 माइनस करते हैं तो क्या होता है, डिफरेंस इज द प्रेडेसेसर. डिफरेंस क्या होता है, प्रेडेसेसर होता है. ठीक है, जैसे 15 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, तो 15 का प्रेडेसेसर है ना 14, प्रेडेसेसर मतलब जस्ट बिफोर, उसके जस्ट पहले का नंबर, तो 14 हुआ. अगर हम करते हैं 218 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 217. 218 का प्रेडेसेसर क्या है 217. तो हम बोलते हैं व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर द डिफरेंस इज द नंबर इज प्रेडेसेसर. क्लियर. प्रॉपर्टी नंबर थ्री, प्रॉपर्टी नंबर थ्री है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज जीरो. मतलब किसी नंबर को सपोज 28 है, 28 में माइनस करेंगे 28 तो आपका आंसर क्या होगा जीरो. किसी भी नंबर को सेम नंबर से अगर माइनस करते हैं तो हम आंसर क्या होता है जीरो. लेकिन किसी नंबर को में जीरो माइनस करते हैं तो आंसर आपका क्या आता है वही डिजिट. ठीक है, तो जैसे हमने कोई भी नंबर लिया 152 माइनस 152 इक्वल्स टू क्या हो गया जीरो. 314 माइनस 314 इक्वल्स टू क्या हो गया जीरो. क्लियर. तो ये आपकी थ्री प्रॉपर्टीज है, किसी नंबर को जीरो से माइनस करते हैं तो सेम नंबर होता है आंसर, किसी नंबर को में वन माइनस करते हैं तो वो नंबर का प्रेडेसेसर आपका डिफरेंस होता है, किसी नंबर में उस नंबर को सेम नंबर को माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है आंसर जीरो. क्लियर, प्रॉपर्टीज हो गई आपकी. नेक्स्ट है आपका फोर डिजिट सब्ट्रैक्शन. कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड. सपोज क्वेश्चन नंबर वन, 83 माइनस जीरो इक्वल्स टू व्हाट, 97 माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट, एंड 218 माइनस 218 इक्वल्स टू व्हाट. हम इसको सॉल्व करें प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग. मैंने क्या कहा था, किसी नंबर को जीरो से माइनस करेंगे तो सेम नंबर, तो 83 माइनस जीरो इक्वल्स टू 83 है ना, 97 माइनस 1 इक्वल्स टू 96 जस्ट प्रेडेसेसर उसका आंसर होगा, तो
तो नंबर इज द नंबर सेल्फ को अगर माइनस करेंगे तो जीरो, तो 218 माइनस 218 इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? तो ये आपकी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं फोर डिजिट नंबर्स पे। फोर डिजिट नंबर्स, ठीक, फोर डिजिट नंबर्स क्या होगा? सपोज मैंने यहां लिखा, फोर डिजिट नंबर्स कैसे होंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, है ना? यानी 9354 माइनस 27, नहीं 2232 माइनस करना है, माइनस करिए। 4 माइनस 2 इक्वल्स टू वंस की प्लेस पे वंस माइनस होगा, टेंस की प्लेस वैल्यू माइनस होगी 100 की और ऐसे 1000 की, ठीक है? तो वंस करते हैं, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7, ठीक। तो आंसर क्या हो गया, 7122। नेक्स्ट करते हैं 1100 10s, 5 8 79 8 7 2 1 माइनस करिए, 9 माइनस 8 कितना होगा 1, 7 माइनस 7 0, वेरी गुड। उस नंबर से किसी नंबर को माइनस, सेम नंबर माइनस करेंगे तो 0, 8 माइनस 2 6, 5 माइनस 1 4, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1000 10s 0, 5 5 8 3 जीरो, 1 5 0 माइनस कर दिया, 3 माइनस 0 3, 8 माइनस 1 7, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 0 5, क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिए, 1000 10s 9 8 8 3 1 4 5 4, माइनस करिए उसको भी, 3 माइनस 1 2, 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 4 5, क्लियर? तो ये आपके क्या है, फोर डिजिट सब्ट्रैक्शन। आपको फोर डिजिट दिए हैं 1000 10s 1s, आपको क्या करना है, वंस के नीचे जो नंबर है उसको माइनस करना है, देन टेंस, देन हंड्रेड, देन थाउजेंड्स, क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बोरो। व्हाट इज बोरो? फोर डिजिट पे ही हम पढ़ेंगे क्या बोरो। बोरो क्या होता है, जब हमारे पास किसी चीज की कमी होती है तो हम उस चीज को दूसरों से क्या करते हैं, बोरो लेते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है? कि हमारे पास ये कम है तो हमको एक ज्यादा दे दो, ठीक है? तो वैसे ही हम डिजिट्स में करेंगे, ठीक है? तो डिजिट्स हमारा क्या होगा, 1000 10s 1s, सपोज 2 3 8 5 2 1 9 0 माइनस करना है, सही है, ठीक है? ऊपर अगर बड़ा नंबर है और आपको माइनस करना है स्मॉलर नंबर से, तो आप सिंपली जैसे अभी तक माइनस कर रहे थे माइनस करोगे, लेकिन अगर ऊपर, ठीक है, ऊपर स्मॉलर नंबर है नीचे लार्जर नंबर है, तो आप क्या करोगे, तब बोरो लोगे। किससे बोरो लोगे, जो उसके नेक्स्ट नंबर है, जो उससे बड़ा नंबर है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, 8 माइनस 1, 8 बड़ा है 1 छोटा है, सिंपली माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 1 7, ठीक। 3 माइनस 9 होगा, नहीं होगा, 3 में से 9 माइनस करोगे, आपके पास 3 चीज है, क्या इसमें से हम 9 माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से 1 बोरो लेंगे, कितना बोरो लेंगे 1, तो 1 बोरो लेंगे, 1 बोरो लिया तो हमने यहां लगा दिया 1, अब 1 तो ये क्या हो गया 13, है ना? जब हमने इसको 1 दे दिया तो ये 3 से कट के क्या हो गया 13, अब हम 13 ग्रेटर नंबर है 9 स्मॉलर नंबर है, तो क्या हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, यस हम माइनस कर सकते हैं, तो 13 माइनस 9 कितना होगा
4, 30 माइनस 9 इक्वल्स टू 4, ठीक। अब जब इसने एक नंबर इसको दिया था तो इसके पास एक नंबर कम भी हो जाएगा। जब मेरे पास दो टॉफीज थी, मैंने एक टॉफी आपको दे दी, तो मेरे पास एक टॉफी कम हो गई, एक ही टॉफी बची ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको जब दिया तो ये 2 से क्या हो गया, 1, क्लियर। तो 1 माइनस 0 1 हो गया आपका बोरो। इसको हम क्या कहते हैं, बोरो क्वेश्चन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन विद बोरोस। नेक्स्ट है 9, 0, 5, 8, 2, 2, 7, 3। अब माइनस करिए इसको, ठीक है। अब माइनस करते हैं, 8 ग्रेटर नंबर है, 2 स्मॉलर नंबर है, इजीली माइनस हो जाएगा। सो 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6, क्लियर। 5 माइनस 2, 5 ग्रेटर है, 2 स्मॉलर है, सो 5 माइनस 2 3, 0 और 7, 0 स्मॉलर है, 7 ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे इसमें, 10 बोरो करेंगे, 1 बोरो करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10, तो 0 से हटके ये हो जाएगा 10, ठीक। 1 बोरो किया, ये हो गया 10, 1 का 1 बोरो किया, 1 इसके आगे लगा देना, जो नंबर यहाँ है उसके आगे 1 लगा देना, ठीक है। तो 10 माइनस 7 हो जाएगा कितना, 3, ठीक। अब जब इसने 1 बोरो दे दिया तो उसके पास 1 लेस हो गया, तो 1 लेस हो गया तो कितना बचा, 8, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5, क्लियर। तो डिफरेंस क्या आ गया, 5,336। नेक्स्ट है 1,110 ones, क्लियर। करते हैं 7, 2, 8, 3, 5, 9, 5, 1। अब बड़ा नंबर है, अब आपको सब में बोरो लेना पड़ेगा। देखिए 3 माइनस 5, 3 स्मॉलर है, 5 ग्रेटर है ना, तो इसको बोरो लेंगे तो 1 बोरो लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13, 13 माइनस 5 8, ठीक। इसका काम खत्म, इसने बोरो दिया था तो हो गया कितना, ये 7, ठीक है। अब 7 में से 9 क्या माइनस होगा, नहीं होगा, फिर हम बोरो लेंगे, फिर बोरो लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 17, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6, यहाँ लिख देंगे 6, ठीक। अब इसने बोरो दिया था, पहले आप क्या करिए, जो बोरो दिया था अगर नंबर तो उसमें से 1 माइनस कर लीजिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। 1 माइनस कर लिए तो ये 2 था, क्या हो गया, 1, है ना, 1। अब 1 में से 5 माइनस होगा नहीं, फिर ये इस नंबर से बोरो लेगा तो क्या हो जाएगा, 11, 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 6, ठीक। ये कितना है, 7, 7 जब इसने बोरो दिया तो ये हो गया 6, 6 माइनस 1 5, तो आंसर क्या हो गया, 5, 6, 6, 8, मींस 5,668, क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 1,110, 8, 9, 3, 5, 4, 2, 9 या 4, 7, 9, 0। अब आप माइनस करिए, जितने क्वेश्चंस यहाँ करवाए जा रहे हैं आप सबको साथ में मेरे प्रैक्टिस करिए, ठीक है, कि मुझे पता होना चाहिए कि आपको ये बोरो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। ये वाला क्वेश्चन आप भी करिए, मैं भी करती हूँ सॉल्व, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट लुक एट हियर एंड सी, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4, सॉरी 5 माइनस 4 1, ठीक। 3 माइनस 7 नहीं होगा क्योंकि स्मॉलर वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू माइनस नहीं होती है, सो यहां से हम बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 13, 13 माइनस 7 6, क्लियर। अब ये 9 है ना, इसने बोरो दे दिया था 1, तो ये कितना बन गया, 8, ठीक। लेकिन 8 में से 9 माइनस होगा नहीं, ये फिर बोरो देगा तो कितना हो जाएगा, 18, है ना, 18 माइनस 9 कितना होगा, 9। इसने बोरो दिया था, ये हो गया कितना, 7, 7 माइनस 0 इक्वल
क्लियर। तो ये है आपके बोरोस के क्वेश्चन, इसको आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। बोरो में दो बातें ध्यान रखनी है, एक जब आप बोरो किसी को दे रहे हो तो नेक्स्ट नंबर के पास वन लेस हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा।